हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट हो या डीएसएस भी हो, यूपीएससी के एग्जाम हो या दूसरे एसएससी बैंकिंग के एग्जाम हो, हर एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, फ्री वीकेंड बैच और हर एग्जाम से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी स्टडी पोर्टल आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर प्रकार का सॉल्यूशन आप लोगों का किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्टडी मटेरियल बहुत कुछ नहीं होता है। काफी सारे लोगों को एग्जाम का पता नहीं चलता है, फॉर्म कब आए ये पता नहीं चलता है, एग्जाम होगा कब ये पता नहीं चलता है, कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड समय पर नहीं निकल पाते हैं। यानी हर प्रकार की हेल्प करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो दोस्तों, आज एक धूम धड़ाके की खबर आप लोगों के लिए है कि 16 सितंबर को नहीं होगा सीटेट 2018। जानिए तो फिर कब होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से डीएसएसबी ने पिछले 1-1.5 साल से लटका के रखा है, उसी तरीके से सीटेट ने भी बच्चों के साथ कुछ खासा अच्छा व्यवहार नहीं किया है। समय समय पर सीटेट की न्यूज आती थी तो सीटेट नहीं आता था, फिर नोटिफिकेशन आया तो ऑनलाइन फॉर्म की डेट नहीं आ पाई। अब ऑनलाइन फॉर्म की डेट आई है तो 16 सितंबर की जो डेट थी एग्जाम की फाइनल हुई थी, उसके ऊपर तलवार लटकने लगी है। दोस्तों, कई सारी वजह इसकी हो सकती हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2018 इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन सितंबर 16 2018। यानी सीटेट 2018 16 सितंबर को नहीं होने वाला है। सीबीएसई ऑफिशियल हैव कंफर्म दैट द एग्जाम डेट फॉर सीटेट 2018 इज अंडर एडवाइजमेंट ऑफ एट प्रेजेंट एंड वुड बी नोटिफाइड लेटर। यानी उसको बाद में घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जब तक फॉर्म चल रहे हो तभी कर दें या फिर फॉर्म क्लोज होने के बाद करें। इन द मीनवाइल द सीटेट 2018 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर नाउ अवेलेबल ऑन द सीटेट.nic.in। यानी सीटेट के फॉर्म सीटेट.nic.in जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई बिफोर अगस्त 27 2018 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 27 अगस्त 2018 से पहले भर सकते हैं। 27 अगस्त दोस्तों याद रखना, ये फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। हालांकि फीस सबमिट करने की डेट 30 तारीख तक दी गई है। देर आर सम साइट्स विच आर क्लेमिंग दैट सीटेट 2018 वुड बी कंडक्टेड ऑन सितंबर 16 2018। या कुछ साइट और कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं 16 सितंबर को एग्जाम होके रहेगा। कुछ सेंटर्स ये कह रहे हैं कि 16 सितंबर को ही होगा, क्योंकि इनको पता है जितना कम समय बताएंगे उतना ही बच्चे एडमिशन ज्यादा लेंगे, और अगर उन लोगों ने बता दिया कि एग्जाम नहीं है तो बच्चे एडमिशन अभी सेंटरों में नहीं लेंगे। इस वजह से वो भी काफी सारे लोग हैं जो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। Some are suggesting that the date might remain the same. कुछ लोग कहते हैं कि डेट सेम रहेगी, however that is not true. लेकिन दोस्तों ये सत्य नहीं है। द डेट ऑफ सितंबर 16 2018 वॉज नोटिफाइड अर्लियर बट हैज सिंस बीन चेंज्ड। हालांकि नई डेट नहीं डिक्लेयर की गई है, लेकिन डेट चेंज हो चुकी है। क्योंकि इसकी सीधा सा मतलब दोस्तों ये रहेगा कि ये आप भी जानते हैं कि जितनी बार सीटेट फॉर्म लेता है या जितनी बार एस्टेट जैसी एजेंसीज फॉर्म लेती हैं, अप्लाई करवाती हैं, तो फॉर्म की लास्ट डेट के बाद करेक्शन की डेट आती है। फॉर्म को चेक करना होता है, एडमिट कार्ड इश्यू करने होते हैं, कई सारी तैयारियां डिपार्टमेंट को करनी होती हैं, और इन फॉर्म की लास्ट डेट के बीच में और एग्जाम की जो डेट बता रहे हैं पहले जो थी उसके बीच में ज्यादा टाइम नहीं है। तो सीटेट को भी, और पहली बार ऑनलाइन ले रहा है, सबसे खास बात ये भी है, तो कई सारी तैयारियां ऐसी हैं जो 10-12-14 दिनों में पूरी नहीं हो सकती हैं। इस वजह से इस डेट को आगे ले जाने का फैसला किया गया है। हालांकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से अगर अप्लाई हो जाते तो 16 सितंबर डेफिनेटली सही डेट थी, लेकिन काफी दिन लेट से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने लगे और अब लेट तक चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तो डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। काफी सारे बच्चे इस चीज को मानते हैं, फिर भी जिनको लगता है कि होंगे वो थोड़ा वेट और कर सकते हैं, बट ये क्लियर है कि 16 सितंबर डेट 99% कोई चांसेस नहीं है। सीबीएसई इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द एग्जाम डेट फॉर सीटेट 2018 बाय द एंड ऑफ अगस्त। यानी अगस्त के आखिरी तक सीटेट
2018 की डेट को सीबीएसई रिलीज कर देगा और आफ्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर क्लोज्ड, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस दिन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद शो कर देगा, डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि 27 तारीख को ऑनलाइन अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। द पोर्टल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड ओपन टिल द एंड ऑफ द डे ऑन अगस्त 27, 2018, यानी ऑनलाइन पोर्टल जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो 27 अगस्त 2018 तक खुला रहेगा। द फी हाउएवर कैन बी पेड अप टू टिल 3:30 PM ऑन अगस्त 30, 2018। हालांकि फीस भरने की पे करने की जो डेट है वो 30 अगस्त 2018 के शाम के 3:30 बजे तक रहेगी। All the candidates are advised to keep a check on the official website CTET.NIC.in for any update. यानी सभी स्टूडेंट से ये सलाह दी जाती है कि वो CTET की वेबसाइट को अपडेट के लिए देखते रहें रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डेट के लिए। और ये एक और चीज कह देना चाहता हूँ, जिन साथियों को लगता है कि सारा सारा दिन कैसे CTET की साइट देखें, हम कभी नहीं देख पाते, टाइम नहीं लगता है, तो दोस्तों चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो साथी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही कोई डेट के अनाउंसमेंट आएगी आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को वीडियो के थ्रू, मैसेज करके थ्रू, या फिर जिन साथियों को मेल करना होता है जिनका मेल आईडी हमारे पास है उनको हम सूचित कर देंगे। वीडियो के लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर को सेव कर लें और उस नंबर से के ऊपर व्हाट्सएप पे हमें अपना नाम और सब्जेक्ट आप सेंड कर दें। जैसी डेट आएगी या कोई भी नई अपडेट आएगी या जिन भी नोट्स की जरूरत होती है सीटेट और डीएसएसबी वगैरह के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो आप लोगों को डे टू डे हम देंगे। और फिर भी कोई भी डाउट है तो वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है, इस परिवार के साथ जितने विचारों को साझा करेंगे उतना ही हम लोगों का डेवलपमेंट होगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर सीटेट 2018 वाज डिलेड एंड कमेंडेड ऑन July 27, 2018, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सीटेट लेट हुआ, जिसकी वजह से लेट होने के चांसेस इसके आए हैं। CTET eligibility is mandatory for candidate aspiring for central school teaching jobs as well as jobs with JNV or KVS and DSS at all. यानी CTET, JNV, KVS, DSSB या दूसरे central school के लिए compulsory है teaching job के लिए। Some state also accept CTET in term of the mandatory TET qualifier for teaching jobs at state level institutions. ये भी कुछ स्टेटों में मान्य होता है। उसी के साथ दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डॉक्टर विजय 8447410108। हजारों स्टूडेंट्स को पिछले 7 से 8 सालों में NCR दिल्ली गुड़गांव के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हम लोग गाइड कर चुके हैं, आगे भी हजारों लाखों लोगों को और करना है, तो दोस्तों ट्रस्ट रखें, डेट आपको बताई जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर जब भारत का 72वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर सभी स्टडी मटेरियल के ऊपर 50% डिस्काउंट है। जिस बच्चे को चाहिए वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं drvijaysir.com की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ भी आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर नई जानकारी आपको दे दी जाएगी। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।